आईसीसी क्रिकेट मेंस वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में सीट पक्की है टीम इंडिया की, और उसके बाद साउथ अफ्रीका भी ऑलमोस्ट डन है, ऑस्ट्रेलिया के चांसेस हैं, और न्यूजीलैंड उसकी किस्मत तो खुद उसके हाथ में ही है, और हमारे पड़ोसी पाकिस्तान वो तो हेलो सलाम वालेकुम भाई जान। अरे अतरंगी भाईजान, रो क्यों रहे हो? कोई मर गया क्या? हमारी उम्मीद है। क्या? अरे यार एक मिनट, ओ एडिटर साहब, ये स्टीरियोटाइप म्यूजिक बंद करोगे? और तुम रोना बंद करो यार, और सच्ची सच्ची बताओ। साची नहीं भाईजान, सब्यसाची, सब्यसाची से सूट सिलवार है। बाबर वहां टूर्नामेंट की तैयारी छोड़ अपने निकाह की तैयारियों में लगे भाईजान। वहाँ लड़के मैच में अपनी फीसें कटवा रहे, बाबर अपनी शेरवानी कटवा रहे, और हम फैंस अपना चुप हो जाओ, रोना बंद करो, और सब ठीक हो जाएगा। क्या हाक ठीक होगा भाई जान? हिंदुस्तान के साथ सेमीफाइनल में खेलने का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा भाई जान, ख्वाब ही रह जाएगा भाई जान। क्या होगा हमारा अंजाम जब आउट ऑफ फोकस हो गए हैं हमारे कुदरत के निजाम। वावा वावा है, खुद ही शेर सुना के खुद ही वावा कर रहा है, पागल है। अच्छा सुनो, रो मत, अभी भी एक तरीका है जिससे टीम पाकिस्तान पहुंच सकती है सेमीफाइनल में। वो क्या भाईजान? एक्चुअली वो एक गणित है, समझाता हूँ, अभी फोन रख और वीडियो देख। तो क्या है वो गणित जिससे पाकिस्तान पहुंच सकती है सेमीफाइनल में? तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल खोलते हैं। पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान है नंबर 5 पे, उसके ऊपर जो टीम्स हैं वो है इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के चांसेस अभी भी डाइसी हैं, लेकिन इंडिया और साउथ अफ्रीका वो तो डेफिनेटली सेमीफाइनल खेल रहे हैं, तो ये बाकी दो स्पॉट्स में से एक स्पॉट पाकिस्तान अपने नाम कर सकता है, एंड टेक्निकली वो नंबर 4 ही होगा। बट उसके लिए सबसे पहले पाकिस्तान को अपना आखिरी मुकाबला जीतना होगा बड़े मार्जिन से, जो कि है अगेंस्ट डिफेंडिंग चैंपियंस या फॉर्मर चैंपियंस, क्या ही डिफेंड किया है, इंग्लैंड। स्टेप 2 है उम्मीद कि नंबर 4 पे न्यूजीलैंड, जो पाकिस्तान से बेहतर है नेट रन रेट में, वो अपना आखिरी मुकाबला हार जाए श्रीलंका से। लेकिन पाकिस्तान के पीछे पड़ा है अफगानिस्तान किसी दुम छल्ले की तरह। देखो पॉइंट सेम है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, लेकिन एडवांटेज अफगानिस्तान के पास है। क्यों? क्योंकि उनके पास अभी भी 2 मुकाबले हैं और पाकिस्तान के पास सिर्फ 1। तो पाकिस्तान चाहेगा कि अफगानिस्तान अपने अगले मुकाबले में, यानी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच खेला जा रहा है, वो जीत जाए छोटे मार्जिन से, लेकिन आखिरी मैच साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो हार जाए। तो अगर पाकिस्तान ने ये सारी चीजें पूरी शिद्दत से मांगी और कायनात ने अगर कॉन्स्पिरेसी कर दी, तब पाकिस्तान पहुंचेगा सेमीफाइनल में। तो ये गणित आपको समझ में आया? कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो दोबारा देख लेना, लेकिन चीयर जरूर करते रहना अपनी अपनी टीमों को, क्योंकि हम तो भैया हैं सेमीफाइनल में और हमें इंतजार है आपका। किसका? हमारे पड़ोसियों का। तो क्या हमारी मुलाकात होगी? कमेंट करके बताइएगा। और क्या ये गणित सच में हल कर पाएगी टीम पाकिस्तान? और बाबर आजम थोड़ा फोकस कर लीजिए वर्ल्ड कप पे, निकाह तो हो जाएगा, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट टू। एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, एंड अंटिल द टाइम वी मीट अगेन, आई एम बादशाह एंड दिस इज अनकट।